हेलो गाइस, सो आज हम एक ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ का इतिहास पांडवों से लेकर औरंगजेब तक और औरंगजेब से लेकर महाराजा ऑफ पटियाला तक, एंड ऑल्सो एन अमेजिंग स्टोरी ऑफ हाउ द क्रिएटर ऑफ दिस वेरी प्लेस वाज आउटविटेड बाय द लोकल राजास। हाय, मैं हूँ टर्बन ट्रिपर, एंड इन द फोर्थ एपिसोड ऑफ द हिडन ट्रेजर ऑफ चंडीगढ़ हम चलेंगे पिंजौर और सुनेंगे एक बहुत ही खूबसूरत कहानी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप पहले तीन एपिसोड ज़रूर देखें जहां हमने हिडन ट्रेजर्स ढूंढे सुखना लेक के पास, बोगनविला गार्डन के पास, अ मीनार विच इज़ टॉलर देन द कुतुब मीनार, एंड अ प्लेस वेयर यू फाइंड मैंगोज इन ऑल द सीजंस। चलो देन, लेट्स गो टू द पिंजौर गार्डन। चंडीगढ़ से जस्ट 40 मिनट्स ऑफ ड्राइव, एंड ऑन द फुट हिल्स ऑफ दोज ब्यूटिफुल शिवालिक हिल्स लाइज द स्पेक्टेकुलर मुगल गार्डन्स। जितना खूबसूरत ये गार्डन है उतनी ही दिलचस्प इसकी कहानी, और यहाँ की एंट्री कुछ फोर्ट लाइक ग्रैंड टाइप की है, और जितना ये ग्रैंड यहाँ से देखने में लग रहा है ये उसे कहीं ज़्यादा ग्रैंड अंदर से है। गार्डन का मेन एंट्रेंस कुछ यहाँ से जाके आता है, और अब आ जाते हैं दिलचस्प कहानी पर। सो पहली कहानी है पांडवों की। इट इज़ बिलीव दैट दे केम हियर ड्यूरिंग देयर एग्जाइल। उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम पड़ा पंचपुरा, विच स्लोली बिकेम पिंजौर। कुछ श्रीनगर का फेमस मुगल गार्डन की तरह ये गार्डन भी स्टेप स्टाइल में बना हुआ है। चलिए अब अंदर चलते हैं, और ये है इसकी मुगल स्टाइल ग्रैंड एंट्रेंस। ओ या फन फैक्ट, हॉलीवुड फिल्म जीरो डार्क 30 ऑन ओसामा बिन लादेन वाज आल्सो शॉट इन पिंजौर। अब आ जाते हैं दूसरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। इसको डिजाइन किया था औरंगजेब के कजन फिदाई खान ने, जो कि बहुत ही उम्दा आर्किटेक्ट माने जाते थे। दिस प्लेस वाज आल्सो अ समर रिट्रीट फॉर औरंगजेब, हेंस ये फुटहिल्स पर है, और आप इसके साइड में जो लंबे लंबे पेड़ देख रहे हैं ये बेसिकली इस जगह की ठंडक को बढ़ाने के लिए है। जैसा कि मैंने आपको बताया, बिकॉज दे वॉन्टेड टू कीप इट कोल्ड, हेंस स्ट्रीम ऑफ वाटर वॉज ऑल्सो फ्लोइंग राइट इन द मिडल ऑफ द फोर्ट। और यहाँ से हम एंटर किए, यहाँ से पानी आता है, एंड बेसिकली इट गोज डाउन फ्रॉम हेयर टू द गार्डन जो नीचे बना हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्टेप स्टाइल में है। यहाँ पे तीन महल भी हैं। दिस इज द फर्स्ट विच इज द शीश महल, द अदर्स आर द रानी और द रंग महल, और उसके बाद एक जल महल। शीश महल से नीचे उतर के वो सामने आप रानी महल देख सकते हैं। सो कमिंग बैक टू द स्टोरी, सो फिदाई खान जो कि यहाँ के आर्किटेक्ट थे, तो यहाँ के लोकल राजाओं ने एक स्कीम बनाई और एक अफवाह फैला दी कि यहाँ पे गाइटर हो जाता है, द डिजीज जो कि आयोडीन की कमी से होता है। या क्योंकि हम नीचे आ गए तो ये शीश महल नीचे से, ओके बैक टू द स्टोरी। और यहाँ के सारे स्टाफ मेंबर्स उसने ऐसे बना दिए उन राजाओं ने, जिन सबको गाइटर था। ये सुनकर फिदाई खान और औरंगजेब ने यहाँ पर आना कम कर दिया और इवेंचुअली बंद कर दिया। हेंस जिसने ये गार्डन बनाया और जिसके लिए बना, वो यहाँ रह ही नहीं पाए। और ये है रंग महल से नीचे का नज़ारा, नीचे के गार्डन का नज़ारा लेते हुए रॉयल चाय पिया करते थे। और ये है रंग महल से शीश महल जहाँ से हम आए हैं, एंड दिस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस महल वॉज द रेस्ट हाउस ऑफ महाराजा ऑफ पटियाला। जी हाँ, हेयर स्टार्ट्स द थर्ड स्टोरी, वेयर डिड महाराजा ऑफ पटियाला कम इन द पिक्चर एंड वाई, अभी बताता हूँ। लेकिन पहले हम नीचे चलते हैं, यहाँ से नीचे जाने के लिए रैंप और सीढ़ियाँ भी हैं। फिर हम चलते हैं जल महल देखने उन सीढ़ियों से नीचे। ओह, नीचे जाने पहले, ओके फन फैक्ट, दो ट्रीज जो आप वहाँ पे देख रहे हैं ये भी इस गार्डन का इंटीग्रल पार्ट है, और यहाँ पे लीची, मैंगोस और चीकू उगते हैं। और हाँ, रंग महल से यहाँ पे बैठ के रॉयल चाय पिया करते थे, सो नीचे का नजारा आप भी देख लें। एनीवेज, बैक टू द स्टोरी, आफ्टर मुगल्स ये जगह बहुत सारे लोकल राजास के अंडर रही, एंड दिस प्लेस केम अंडर द क्रॉस फायर बिकॉज द गोरखाज ऑल्सो केम हेयर। Then the local rajas asked the help from the Maharaja of Patiala, and Gurkhas ने ये वाली ज़मीन महाराजा ऑफ पटियाला को दे दी। Well, आगे बढ़ने से पहले ये है नीचे से रंग महल। रंग महल से जल महल, वो जो आप सामने देख रहे हैं वो जल महल है, जो ऊपर से पानी आता है वो इस फाउंटेन फील्ड कैनाल से होके जल महल के पास जाता है।
और पानी यहाँ से होते हुए नीचे नीचे के रैंप से होते हुए महल के चारों तरफ फैल जाता है। और यह है जल महल। चलिए लेट्स हैव अ क्लोजर लुक। और ये है जल महल। और हम आए हैं वो वहाँ दूर से शीश महल, फिर रानी महल होते हुए जल महल। अभी यहाँ पे आप पैंडेमिक के चलते पानी नहीं है, बट जब यहाँ पे पानी होता है तो इट लुक्स एब्सोल्युटली मेस्पराइजिंग। चलिए आगे चल के पास से देखते हैं। यहाँ जिस तरफ से मैं आ रहा हूँ वहाँ पीछे एक कैफेटेरिया भी है और सामने आम और चीकू के बागान। बिकॉज इट सराउंडेड बाई वाटर, इट इज़ बिलीव टू बी द कोल्डेस्ट ऑफ द थ्री फोर्ट्स और द महल। और ये फिफ्थ टेरेस पे है, तो यहाँ से सिक्स और सेवन्थ टेरेस का जो नज़ारा है वो कुछ किस तरीके से दिखता है। और हम जहाँ से आए हैं उसका नज़ारा यहाँ से कुछ ऐसा। और अब चलते हैं इसका जो नेक्स्ट नीचे वाला लेवल है, सेवन्थ और द लास्ट। चलो देन लेट्स गो टू द लास्ट टेरेस। ये है जल महल और ये वही पानी के कनाल जो की जाती है ऑल द वे टू द लास्ट गेट, जो कि है ये। ओके, सो जब तक हम यहाँ पे लास्ट गेट तक पहुँच करते हैं, सो क्या हम यहाँ पे स्टे का अरेंजमेंट कर सकते हैं? वेल, आंसर इज़ येस। यहाँ पे कुछ डीलक्स एसी रूम्स अवेलेबल हैं जो कि आप यहाँ पे आने से पहले बुक करा सकते हैं। और ये है द लास्ट डोर ऑफ दिस ब्यूटिफुल 100 acre मुगल गार्डन। एंड हम जहाँ से आए हैं वो वहाँ दूर है। अब मैं यहाँ तक आ तो गया, लेकिन अब वापस जाने में उतनी ही और मेहनत लगनी थी। सो ये है वो सारे टेरेसेस थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोड में। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। एंड बिफोर वी एग्जिट, आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर लाइकिंग माई प्रीवियस वीडियोस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।